नगर निगम दुर्ग के आदित्य नगर में कुशाभाव ठाकरे भवन में बाहर से आए मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, जिसे लेकर वहां के निवासियों में खासा रोष व्याप्त है। ज्ञात हो कि इस सेंटर से 2 दिन पूर्व 2 कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। ऐसे में स्थानीय निवासियों की यह मांग है कि इस रिहायशी इलाके से क्वारंटाइन सेंटर को तत्काल हटाया जाए। इस बारे में पूरब टाइम से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासियों ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। यहाँ डिसीजन लेने के पहले किसी तरह की प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। अचानक 30-32 लोगों को लाकर इस भवन में रख दिया गया, जिसके कारण पूरे कॉलोनी वासी आज परेशान है और संयोग बस इसमें से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस करके जो एक भय का वातावरण इस कॉलोनी में व्याप्त हुआ है, उससे हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। बार बार हम लोग प्रशासन को ये अवगत कराते हैं कि कॉलोनी के बीच में जो ये सेंटर बनाया गया है, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, लेकिन प्रशासन के तरफ से किया जा रहा है। जहाँ तक ये लोगों सुविधाओं की बात है, प्रशासन के तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। भोजन 12 बजे आता है, 7 बजे से जितने लोग यहाँ रखे हुए हैं, ये लोग छत में चढ़ के हल्ला गुला करते हैं, जिसके चलते पूरा कॉलोनी भी परेशान होता है, आने जाने वाले लोग भी परेशान होते हैं और जो यहाँ मार्केट है सामने में, वो भी बंद रखने पर मजबूर होना। जी, कुशाभाव ठाकरे भवन, आदित्य नगर, वार्ड नंबर 20, जो कि सघन रहवासी एरिया है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे मोहल्ले में खतरा पैदा हो गया है, पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। इसे जल्दी से जल्दी हटाने का के लिए पूरा मोहल्ला एकमत है ना, एकमत से इसको हटाने की हम मांग करते हैं, आदित्य नगर के सभी वासी। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि ये क्वारंटाइन सेंटर को अति शीघ्र हटाने की कृपा की जाए। क्वारंटाइन कुशाभाव ठाकरे में जो रखा गया है, उनको यहाँ से हटाने के विरोध में हम लोग ये धरना दे रहे हैं। शासन प्रशासन को विगत 3 दिनों से लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवगत करा रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन वार्डवासी और यहाँ के जो व्यवसायी संघ हैं, उनके मांग को अनसुना कर रहे हैं। समस्या यहाँ दिनों दिन बढ़ती जा रहा है, वार्डवासियों में रोष उत्पन्न हो रहा है। पुनः इसी के विरोध स्वरूप हम यहाँ धरने के लिए एकजुट हुए हैं और शासन से मांग करते हैं कि आज के तारीख में जो महापौर, कमिश्नर साहब और कलेक्टर में आश्वासन दिया गया था कि आज के तारीख में क्वारंटाइन सेंटर यहां से हटा दिया जाएगा, किंतु अभी तक उनका कोई किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरा, हम अभी 12 बजे 1 बजे से यहां धरना बैठेंगे और जब तक शासन प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर वार्डवासियों के समक्ष हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। यह नज़ारा है दुर्ग नगर निगम के कुशाभाव ठाकरे भवन का, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस भीषण गर्मी में पुलिस एवं अतिरिक्त फौज को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, परंतु उन्हें रहने के लिए जो जगह दी गई है, वहां पर ना सही ढंग से पानी की व्यवस्था है और ना ही पंखे कूलर की। इन तस्वीरों में सुरक्षा कर्मियों की तकलीफ को आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ जहां हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रशासन इनकी तारीफ करता है, परंतु देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब स्थानीय प्रशासन अपने एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठकर इनकी तकलीफों को समझता है एवं उनका निवारण करता है, जो कि बेहद जरूरी है।